मुफ्त आटे का हसूल जिंदगी और मौत की जंग बन गया। हाफिजाबाद में मुफ्त आटा पॉइंट पर बद इंतजामी, 10 अफराद कुचले गए। कसूर में मुस्तक अफराद में आटा तकसीम करने के दौरान शदीद बदरस्मी। धक्कमपेल से मुअम्मर खवातीन बेहोश। दीपालपुर में भगदड़ से 4 खवातीन बेहोश, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खून के बदले राशन, क्या इंसानियत इतनी अर्जा? हैदराबाद में इंसानियत खिदमत के नाम पर इंसानियत के मुंह पर तमाचा। एनजीओ की जानिब से खून के बदले राशन की बोली। गुर्बत के मारों शहरी कहते हैं कि पेट का दोजख भरने के लिए हमें लहू बेचना पड़ा। महंगाई के वार हो गए खतरनाक, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। आटा, घी, चीनी समेत तमाम अशय जरूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी के निर्ख भी आसमान से ना उतरे। बढ़ती महंगाई के बायस से दो वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। सिंध में सैलाब को गुजरे 8 माह हो गए, मगर जैकबाबाद की यूनियन काउंसिल बकापुर समेत जिला के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। जरी जमीनें और कब्रिस्तान भी दाहाल जेरे आब। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दूचा। पटियारी के मकीन गैस की सहूलत से महरूम। शहरियों को तंग आकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करना पड़ा। गैस की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुश्किलात से निजात मिल सके, शहरियों का मुतालबा। मुल्क भर में भीगा मौसम उतर आया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 23 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। और जायके और लज्जत से भरपूर फल स्ट्रॉबेरी सबके मन को भाता है, और ये फल कबीरवाला में वसी रकबे पर काश्त किया जाता है। लाल लाल रस भरी जायके में खट्टी मीठी बच्चों और बड़ों को सबको पसंद।